प्रदेश में चुनाव होना है और उस चुनाव में बहुत पहले कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बहुत पहले हमको लगता है 4-5 महीना पहले हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके दो सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय रामचंद्र बाबू को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कल तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है, दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2-3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है, और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है। ये यहाँ से जारी करें, लखनऊ से जारी करें, जहाँ से इनकी इच्छा हो जारी करें। तो उम्मीदवार और शेष विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी करने के लिए हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, और आज हम लोग 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं जहां जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। देखिए, अभी तो हमने आपको बताया था पिछले दिन ही के 51 विधानसभा क्षेत्रों की सूची लाए थे,
लेकिन उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी अगर प्रदेश अध्यक्ष यह उचित समझेंगे कि वहाँ उन क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार सशक्त उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहाँ ये उसके लिए भी अधिकृत हैं, उसका निर्णय भी प्रदेश अध्यक्ष ही लेंगे। हम लोगों के किसी अनुमति की के इंतजार की आवश्यकता इनको नहीं है, हम लोगों ने पूर्ण रूप से प्रदेश के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया। साफ तौर पर मना गया आज कि यूपी में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा और उसके सातवें चरण में जहां पर आखिर में चुनाव होना है वहां भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब हम आज सूची जारी कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि कोई सकारात्मक जवाब कल शाम तक नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी नहीं आया कि हम जनता दल यू से भी बातचीत कर रहे हैं और समझौता करेंगे, तो हम इसको और क्या माने, हमारे लिए उतना ही काफी है। और यही नहीं है, इसके पहले का भी उदाहरण हम आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़के हट माने अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा बिहार में एनडीए है, उसके अतिरिक्त जहां भी है हम लोग अरुणाचल में लड़े थे और अरुणाचल में हमने 15 उम्मीदवार खड़े किए थे, 15 में हमारे 7 उम्मीदवार चुनाव वहां जीते थे बीजेपी से अलग रहकर, हम इंडिपेंडेंट वहां अलग स्वतंत्र रूप से लड़े थे और 15 में 7 उम्मीदवार हमारे जीते थे अरुणाचल में। ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वहां भी हमारे ही जनता दल यू का उम्मीदवार चुनाव जीता था। हम लोगों ने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया था कि भाई अब तो हम लोग अलग अलग लड़ लिए, जो हमारे 7 लोग हैं इनमें से सरकार आप बना लिए हैं वहां, तो इसमें से मिला के एनडीए वहां भी बना लीजिए। उन्होंने मौखिक रूप से सहमति दी थी, बाद में 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। लेकिन लास्ट जो अरुणाचल में पिछला चुनाव हुआ था उसके पहले हम नागालैंड में भी चुनाव लड़े, नागालैंड में भी हम 5 लड़े, 15 लड़े थे, उसमें 1 पर हम चुनाव जीते, 1 उम्मीदवार हमारा चुनाव जीता और 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम दूसरे नंबर पर रहे और क्लोज कंटेस्ट में रहे, 100-200 वोट के अंतराल से हम हारे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो हम स्वतंत्र रूप से वहां चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। सर आप कई स्टेट्स में बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं आपने वाला, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोग चाहते थे यूपी में कि वो लेकिन नहीं हो पाया, आप लोग अपसेट हैं डिसअपॉइंटेड? नहीं, हम अपसेट होने की इसमें कहां कोई बात है, इसमें कोई अपसेट होने की बात नहीं है और न डिसअपॉइंटेड होने की बात। भारतीय जनता पार्टी से हमने पहले ही बताया आपको कि जनता दल यू के और हमारे पार्टी के केंद्र की सरकार में जो माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है और इसलिए हम लोगों ने इंतजार किया। बल्कि अगर हम लोग प्रारंभ से तैयारी करते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते हुआ। नहीं, हम हमें कैसे कहें धोखा देने की बात, तो भाजपा ने हमसे कोई पार्टी को, हमने तो कहा कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं था कि हम जनता दल यू से समझौता कर रहे हैं और नहीं किया, इसलिए आप इसको धोखा कैसे मान सकते हैं। एक ही आपने कहा कि पहले अगर हम लोग कैंडिडेट ज्यादा तैयारी से चुनाव मैदान में जाते, नहीं तैयारी नहीं कर पाए, सीट ज्यादा हम लड़ते। मेरे कहने का मतलब वो है कि 50-60-70 सीट आज हम लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते, हम 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते थे वहां, लेकिन आज जो हम 50-60 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते चुनाव। भाई मैंने आपको बताया कि अरुणाचल में कितना 60 की है, 15 लड़े हम, तैयारी थी हमारी और 15 में हम 7 जीते, वहां नागालैंड में हम जीते, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से लड़ेगा
और हमको पूरी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, पूरी संभावना है कि हम वहाँ अच्छी संख्या में अपने उम्मीदवार जिता के लाएंगे। सर आप लोग बिहार में एक साथ हैं, केंद्र में भी साथ में हैं, क्या लगता है यूपी में अलग लड़ने से आने वाले समय में गठबंधन पे कुछ असर पड़ेगा? क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? आपका पोर्टल जो है बिहार में चलता है तो दिल्ली में नहीं चलेगा तो उससे कोई असर पड़ता है क्या? अरे बिहार में हमारा एनडीए है, कोई बाकी जगह तो हम एनडीए में है नहीं और एनडीए के पार्ट नहीं है। समझौता हो सकता था जो नहीं हुआ तो हम लोगों ने किनमें तो है ही, ये हम नहीं कर सकते इसलिए कि हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया था माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब को और उन्होंने जो बताया और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भरोसा दिया उसके आधार पर उन्होंने पार्टी को सूचित किया और उसी के कारण विलंब हुआ। अब उसमें कितनी ईमानदारी और सच्चाई से वो दे रहे थे ये तो हम लोग उस बीच में नहीं थे, हम लोग उस बातचीत में कहीं नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का कोई नहीं था, सीधा संपर्क उन्हीं का था और उन्हीं को हम लोगों ने अधिकृत किया था। पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है बातचीत में जो भी प्रक्रिया सफल हुई तो एक तरह से नहीं, उनकी जिम्मेदारी कहाँ बनी गई? कोई सफल और असफल होने पर जिम्मेदारी का कहाँ सवाल है? कोई सफल हो नहीं हो ये तो सामने वाले पर निर्भर करता है ना कि वो संयुक्त रूप से वहाँ लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं ये उनका कोई भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है बिहार। संजय जायसवाल जी ने जो कहा होगा उनसे पूछिए, संजय जायसवाल जी के किसी प्रश्न का हम उत्तर देने के लिए सवाल है। आप लोग एक कैंपेन सॉन्ग फिर से रिलीज किए हैं कि देश के प्रधान विशेष बिहार पे ध्यान दें, इसको लेकर के फिर से कहा जा रहा है कि आप लोग विशेष रात की मांग को लेकर फिर से मुखर नजर आने वाले, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार से उम्मीद है, केंद्र सरकार आप लोगों को देगी? सर ये हम नहीं जानते हैं लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जी बिहार को मिले यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है और राज्य के हित को के सवाल को उठाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम अगर बिहार पार्टी के में हैं और वहाँ हमारी सरकार है तो बिहार के हित में आवाज़ उठाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और उस नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन हम कर रहे हैं। हम उसमें नहीं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात करिएगा। आपका परसेप्शन हो सकता है, हमारा परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम लड़के लड़ना चाहते हैं, उनकी कुछ होगी मजबूरियाँ इसके आधार पर वो नहीं समझौता करना चाहते होंगे, तो इसलिए हमारी पार्टी को तो हमारी पार्टी है तो हम तो उसका संगठन खड़ा करेंगे ना, हमारी पार्टी को तो हम हर राज्यों में खड़ा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में बराबर उस पर अभी नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी किसी विषय पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूपी में रहे हैं 2012 में, हमारा एनडीए से हम लोकसभा भी जीते हैं, विधानसभा भी जीते हैं, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में जेडीयू के मिनिस्टर भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं लड़े हम पहले। या चूंकि अब आप कई जगह बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े होंगे, एक आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार के उनके ही पुराने मंत्रियों ने लगाया और बीजेपी छोड़ने चले गए कि पिछड़े दलितों शिशुओं का वहां पर सम्मान नहीं हुआ है, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? इसकी हमको कोई जानकारी नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे जब वहाँ जारी करेंगे, वो राज्य का इशू। ABP News, आपको रखे आगे।